हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीएससी में सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो है थर्मोडायनेमिक्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, बेसिकली दोनों थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा मैं बता दूँ कि सिलेबस आपका क्या है। तो आपके आरयू का जो सिलेबस है उसमें बेसिकली आपके तीन पेपर्स होते हैं, 33, 33 एंड 34 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का तो आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है और शायद 50 अराउंड आपका कुछ प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। ठीक है, अभी आपका फर्स्ट पेपर है 33 मार्क्स का, इसमें आपके कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 9 मार्क्स के और 4 आपके जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपका 33 मार्क्स का पेपर हो जाता है। और ये जो आपके 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी आपको ए और बी दो पार्ट अलग अलग बने हुए होते हैं और उनमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई होती है। तो मतलब ये ऑल ओवर मिला करके आपका जो पेपर का पैटर्न ऐसा है कि इजी टाइप का होता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और ये सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स ये भी ईजी है, थोड़ा इंटरेस्ट से बस पढ़ने की बात है। ठीक है, आपके थर्मोडायनेमिक्स में इसमें स्टैटिकल फिजिक्स अपन बाद में करेंगे पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में जो 4 यूनिट आते हैं बेसिकली उसमें से आपकी 2 यूनिट्स जो है वो तो थर्मो की है और 2 यूनिट्स स्टैटिकल की है। ठीक है, स्टैटिकल बाद में, पहले हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है उसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो 0 एंड फर्स्ट लॉ है, जैसे आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में हमारे ये आने लग जाता है थर्मोडायनेमिक्स के 3 जो लॉज होते हैं वो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में 0th लॉ एंड फर्स्ट लॉ पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपको जैसे हीट इंजन पढ़ना है, कार्नोट इंजन है, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं और ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। मेन मेन टॉपिक्स क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वगैरह है वो, और आप छोटे मोटे टॉपिक्स भी होंगे वो देख लेना, बट मेन मेन जो है बड़े क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं वो मोस्टली आपके इनमें से ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं आपको ये बताऊं कि थर्मो और स्टैटिकल इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम सबसे बात जो मेनली करेंगे, हम इस पूरे सब्जेक्ट में जो हम बात करेंगे मेनली कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट क्या पैरामीटर्स है, सिस्टम किस टाइप का होता है, सराउंडिंग क्या होती है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जब हम कोई सिस्टम के उसके पैरामीटर्स की बात करते हैं कि लाइक उसका वॉल्यूम क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई कंटेनर ही ले लिया, अगर मैं ये कंटेनर में इसमें ये बोल दूं कि ये वी वॉल्यूम का तो कंटेनर है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स हैं, इसका टेम्परेचर टी है जो भी है, और इस पे कुछ अगर प्रेशर हम लगाते हैं, इस पे प्रेशर पी है, तो ये सारे इसके पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो जब हम किसी भी सिस्टम पे, या हिंदी में हम उसको निकाय बोल सकते हैं, तो जब हम किसी निकाय पे उसके जो भी पैरामीटर्स या प्राचल होते हैं जब हम इनका कोई उस पर प्रतिबंध लगा करके उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये चीजें तो हमारी आती है थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मा गतिकी में आती है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं इन पे कोई भी मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, जैसे आप लोग बाद में पढ़ोगे, आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स होती है और एक क्वांटम मैकेनिक्स भी होती है, तो क्लासिकल या क्वांटम किसी के भी अगर हम इस पे नियम लगा करके और उसके बाद अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उन नियमों का प्रतिबंध अगर हम इसमें लगाते हैं, तो वो हमारा स्टैटिकल में आता है, सांख्यिकी में आता है। ठीक है, तो सांख्यिकी हम पढ़ेंगे बाद में, आज हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक यहाँ पे कुछ 6 यहाँ पे चीजें होंगी जो हम पूरे पूरे के पूरे सिलेबस में हम बार बार पढ़ते रहेंगे उनको। तो वो जो कुछ टर्म्स है, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को वो टर्म्स लिखवा दूंगी, आप लोग उनको लिख लो, क्योंकि बार बार हम उन सब चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है, ओनली टर्म्स का नाम यूज में लेंगे, तो वो बेसिकली आपको पता होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग लिखना शुरू करो, आप लोग अपनी अपनी कॉपी खोल लो, उसमें लिख लो। कुछ चीजें मैं बोल करके बताऊंगी, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नोट्स में यहाँ पे लिखवाऊंगी नहीं आप लोगों को। बाकी ये है कि आप लोग यहाँ पढ़ने के बाद में आप लोग एक बार बुक को भी रीड आउट करना, और वो पढ़ने के बाद में आपको अपने आप सारी चीजें भी समझ में आ जाएगी, और अगर आप खुद के कुछ अलग से नोट्स बनाना चाहोगे तो वो भी बना लोगे। मेनली जो डायग्राम्स है यहाँ पे वो सारी चीजें मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगी, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, और इन सारी चीजों को आप अपने लिखने में भी मेंशन किया करो, क्योंकि आपके आरयू वगैरह में जो अभी जो बीएससी तक का जो सिलेबस होता है ना उसमें आपके क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह तो ज्यादा आते नहीं है,
ठीक है, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है तो उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ भी लेकर के मतलब कॉपी भर के आनी है, वैसा कोई सीन नहीं होता है। शॉर्ट एंड स्वीट लिखा करो, लेकिन इफेक्टिव लिखा करो। अब इफेक्टिव लिखने के लिए उसमें क्या है, जैसे आप कोई फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, जैसे आप किसी भी चीज थर्मोडाइनेमिक्स में ही, जैसे अगर आप इसके कोई टाइप्स बताना चाहते हो, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो बताना चाहते हो, उसके लिए आप फ्लो चार्ट यूज ले सकते हो। या अगर आप जैसे कोई एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो तो उसमें स्पेशली हमारा इक्विपमेंट क्या है, उसमें हम कैसा क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें बना सकते हो। उसके अलावा जैसे आप कोई भी दो चीजों में अगर आप रिलेशन शो करना चाह रहे हो, जैसे कि किसी सिस्टम के लिए मैं बोलूं कि मैंने उसका प्रेशर कम किया और उसका वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दिया, तो इस तरीके से उनमें क्या होता है, पीवी कर्व्स वगैरह होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लेटर डिस्कस करेंगे बाद में कि पी और वी उनमें अलग अलग टाइप के वेरिएशन किस में क्या हो रहे हैं, प्रेशर हम कम ज्यादा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिकीय निकाय, किसी को हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वैसे बोल देना, बाकी तो दोनों टर्म्स आपकी बुक्स में भी दोनों टर्म्स दी हुई होती है, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले तो हम निकाय की बात करते हैं कि सिस्टम होता क्या है। जैसे कि कोई भी एक किसी भी चीज को आप देखते किस तरीके से, जैसे मान लो एक नॉर्मल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे किचन का कोई हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे अगर मैं किसी कंटेनर में मैं पानी गर्म कर रही हूँ, ठीक है, चाहे मैंने उसको ढका हो चाहे नहीं ढका हो, या मान लो मैंने उसको ढक दिया, अब वो पूरा क्या हो गया, उसके अंदर टोटल पानी की कितनी बूंदे हैं, कितना अमाउंट में उसमें पानी है, उस बर्तन का वॉल्यूम क्या है, या उस पर मैं कितना उसको टेम्परेचर दे रही हूँ, कितना हीट दे रही हूँ, तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके वो एक सिस्टम बना हुआ है। और उसके अंदर होता क्या, एक्चुअली में उसके अंदर अलग अलग टाइप की ऊष्मागतिकीय जो भी समीकरणें हैं या फिर उनके फेज में चेंजेज होते हैं, जिसको हम थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन बोलते हैं या एडियाबेटिक इंटरेक्शन, रुद्धोष्म अभिक्रियाएं वगैरह बोलते हैं, तो वो सारी चीजें उसके अंदर में आती है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम सारी की सारी चीजों को यहाँ हम जो भी पढ़ेंगे उन सबको हम एक सिस्टम के वे में ही पढ़ेंगे कि ये एक सिस्टम है, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम उस पर क्या कंस्ट्रेंट या क्या हम उसमें प्रतिबंध उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस क्या होने चाहिए, क्या हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या उस पर नियम बनाए हुए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम निकाय क्या होता है। तो एक ऐसा सिस्टम या आप पूरी जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो है, तो उस यूनिवर्स में एक ऐसा सिस्टम जो एक पर्टिकुलरली जिसकी बाउंड्री हो, जिसकी एक कुछ निश्चित सीमाएं हो, उसके अंदर कुछ उसका फिक्स कुछ वॉल्यूम है, फिक्स कुछ उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें कुछ जो कण है उनका कुछ फिक्स अमाउंट है, तो इनसे मिलकर के हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो।
की डेफिनेशन है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डेफिनेट मैक्रोस्कोपिक रीजन और स्पेस इन यूनिवर्स इन विच वन और मोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस. कि थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी निकाय जो होता है पूरे यूनिवर्स में, वो एक निश्चित सीमा या एक निश्चित स्पेस होता है जिसके अंदर एक या फिर एक से अधिक ऊष्मागतिकीय समीकरणें जो होती है वो होती है या भाग लेती हैं, ऐसा कुछ भी. ठीक है, तो ये आप नोट कर लो. ठीक है, आप सुन रही है. अच्छा, इसके अंदर एक टर्म हमने यूज में लिया है, मैक्रोस्कोपिक रीजन. तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, मैक्रोस्कोपिक रीजन और माइक्रोस्कोपिक रीजन. ठीक है, अगर किसी का छूट भी गया हो तो बीच में वीडियो पॉज करके और फिर उसके बाद में लिख लेना आप. ठीक है, अब इस पे सेकेंड नंबर का आप लिखो इस पे डेफिनेशन, सराउंडिंग्स. ठीक है, सराउंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी मुझे नहीं पता है, वो मैं आपको या तो कल बता दूंगी, आप लोग देख लेना जैसे भी है, या वैसे आपको इसके डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि सराउंडिंग का मतलब होता क्या है. ठीक है, तो आप इसके डेफिनेशन लिखो, सराउंडिंग्स. Everything external to a system that is known as surrounding. मतलब system के अलावा जो भी है आसपास में वो पूरा surrounding में आता है. या आप ऐसा example मान लो, जैसे कि अभी हम class ले रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो हमारा एक system बन गया है हम दोनों का. ठीक है, और उसके बाहर जो कुछ भी हो रहा है outside में, मेरे outside में, आपके outside में, वो सारा का सारा surrounding में आता है. ठीक है, लिख लो ये definition आप लोग. थर्ड आप लोग लिखो, बाउंड्री. या सीमा बोल सकते हो आप इसको, सीमा. बाउंड्री क्या होता है, जो नॉर्मली जो बाउंड्री होती है, यहाँ भी बाउंड्री का मतलब वही है. बाउंड्री हम बोलते हैं किसी दो चीजों को अलग करने के लिए. तो यहाँ अभी जो हमने दो पढ़ा था, सिस्टम और सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग वो दोनों सेपरेट होते हैं बाउंड्री के थ्रू. ठीक है, तो इसके आप डेफिनेशन लिखो.
आर सेपरेटेड बाय अ बॉर्डर दैट इज कॉल्ड बाउंड्री. इन दोनों को जिससे अलग किया जाता है. अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें क्या है. पहले आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर लो. अगर इसको जो हिंदी में लिखना चाहे वो भी लिख सकते हो कि जो हमारा निकाय होता है और उसके आसपास का जो भी वातावरण बोल लो या सराउंडिंग को जो भी, कि उन दोनों को एक निश्चित सीमा के द्वारा अलग किया जाता है और वो सीमा जो होती है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं या परिसीमा कुछ भी आप बोल सकते हो. ठीक है. सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू हमें सारी चीजों को अभी जो हमने पढ़ा उनको हम समझते हैं. ठीक है. ये आप लोग भी बना लेना डायग्राम को. ये मान लो ये हमने बनाया कोई सिस्टम. ठीक है. इसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी कण हो सकता है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है. हमने कोई स्पेशली कोई अलग चीज ले रखी है, उसके पार्टिकल्स हैं, कण कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया सिस्टम. ठीक है. अब इसके आसपास में जो आपको दिख रहा है चारों तरफ की जो ब्लैंक जगह है ये होती है सराउंडिंग. ठीक है. इसको आप अलग डिनोट कर सकते हो इससे. ये पूरा हमारा हो गया सराउंडिंग. फिर हमने बोला कि सिस्टम और सराउंडिंग को एक बॉर्डर से अलग किया जाता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री. तो ये है वो बॉर्डर. ये जो चारों तरफ जो इसके आउटलाइन है ये वो बॉर्डर है. तो ये हमारी हो गई बाउंड्री. और ये जो टोटल जो हमने बनाया है ये पूरा, ये जो हमने चारों तरफ इसको हमने पर्टिकुलरली लाइन से हमने बता रखा है कि पूरा क्लोज है, ये टोटल पूरा होता है यूनिवर्स. ठीक है. तो ये आप लोग डायग्राम बना लो. लिख सकते हो कि यूनिवर्स बराबर, आप क्या एक चाहो आप इसको एक फॉर्मूले के टर्म पे लिख सकते हो. यूनिवर्स बराबर आपका होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री. तो इन तीनों से मिलकर के जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स. अब देखो, हाँ एक चीज मैंने बोली थी कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, उन दोनों चीजों को मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. वो वैसे हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो तो ऐसे ध्यान भी हो आपको. देखो, सबसे पहले तो ये होता है एक जनरल डेफिनेशन हम दोनों की दें तो मैक्रोस्कोपिक रीजन हम ये बोल सकते हैं कि जो कि नॉर्मली हमें विजिबल होता है, जो नॉर्मली हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो होता है मैक्रोस्कोपिक रीजन. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक रीजन होता है जिसे देखने के लिए हमारी आंखों से नॉर्मली वो चीज हमें दिखती नहीं है, उसे देखने के लिए हमें स्पेशली जैसे कोई माइक्रोस्कोपिक कैमरा वगैरह है या सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं उनकी जरूरत हमें पड़ती है, तो वो चीज होती है माइक्रोस्कोपिक. ठीक है. ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होगी. अब यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में इन दोनों का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. जैसे मान लो कि
कोई सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले भी सिस्टम बताया था कि मान लो कोई कंटेनर ही हमने ले रखा है, कोई पात्र लिया जिसका जो आयतन है वो वी हमने मान लिया, उसके ऊपर जो दाब है वो पी मान लिया, टेम्परेचर उसका ताप है वो हमने टी मान लिया, कुछ भी, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से जो हमें चीजें दिख रही है ना, वो तो है हमारा मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, कि वो एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली हमें विजिबल हो रही है। अब उसके अंदर उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल कितने हैं, और एक पार्टिकल की उसमें एनर्जी क्या है, या टोटल उन सब पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है, वो चीजें हमें दिखती नहीं है। वो हमें स्पेशली कोई प्रैक्टिकल के थ्रू या स्पेशल जो भी उपकरण होते हैं उनके थ्रू में मेजर करनी पड़ती है, हम उनको नापते हैं, ठीक है। तो वो चीजें माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे आपके पास तीन टोटल आपने कण ले लिए, ए बी और सी, ठीक है। मैंने बोला कि ये तीन कण है और इन्हें मैंने कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में मैंने इनको दो एनर्जी स्टेट जो है, दो अलग अलग, आपको ये तो पता होगा हर पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग होती है, कोई भी सिस्टम होता है उसमें पार्टिकल कैसे भी व्यवस्थित किए जा सकते हैं, हर किसी की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है सबकी एनर्जी सेम भी हो, कुछ की अलग अलग हो, सबकी सेम होती है ऐसा नहीं होता। हर सिस्टम में एक ना एक बिल्कुल ग्राउंड स्टेट जरूर होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल उसकी न्यूनतम ऊर्जा, कि एक स्टेट ऐसी, एक अवस्था ऐसी जरूर होती है जिसके पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उससे ऊपर हाई जाती है, हाई जाती है, हाई जाती है, और सबसे एक्साइटेड स्टेट या सबसे उत्तेजित अवस्था जिसको हम कहते हैं वो भी आती है, ठीक है। तो ऐसे सबसे ग्राउंड स्टेट। अब हमें कोई भी पार्टिकल हमने लिए, कितने भी मान लो पांच कण ले लिए मैंने, छह कण ले लिए, कुछ भी, उसे मुझे कितने एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करना है वो मेरे पे डिपेंड करता है। या मान लो कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कुछ भी, तो मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे तीन पार्टिकल है, इन्हें मैंने इस सिस्टम में दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इन दोनों में मुझे डिवाइड कर देना है। तो मैंने नॉर्मली इसको डिवाइड कर दिया कि ये एक हो गया और इसमें मैंने दो डाल दिए। तो अगर मैं कणों की संख्या में बताऊं, एन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो एन वन बराबर मैंने बोल दिया वन है, इसमें एक ही पार्टिकल है, और एन टू बराबर दो हो गया, इसमें दो पार्टिकल है, ठीक है। ये तो ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीज हो गई, तो ये तो हमारा हो गया एक माइक्रोस्कोपिक रीजन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक रीजन या सिस्टम आप कुछ भी बोलो, ये चीज हो गई। अब उसके अंदर क्योंकि पार्टिकल स्पेशली मैंने ए बी और सी लिए थे, इस तीनों का नाम अलग अलग है, मतलब हो सकते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग हो, तीनों कुछ अलग अलग गुण रखते हो, ठीक है ना। अब इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, वो चीज मुझे नहीं दिखेगी। वो जो चीज दिखेगी वो होता है माइक्रोस्कोपिक। जैसे मान लो हो सकता है मैंने इनको ऐसे व्यवस्थित कर रखा हो कि मैंने ए पार्टिकल तो यहाँ पे लिखा हो, डाला हो, और मैंने बी और सी को इसमें डाल रखा हो, या फिर मैंने इनको ऐसे व्यवस्थित किया हो कि मैंने बी यहाँ ले रखा हो, ए और सी पार्टिकल यहाँ पे बैठे हो, या फिर मैंने सी को यहाँ ले रखा हो और ए और बी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इसके तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैं इनको कर सकती हूँ, प्रदर्शित कर सकती हूँ। तो ये जो इनको प्रदर्शित करने के जो विभिन्न तरीके होते हैं, ये आपका आता है माइक्रोस्कोपिक रीजन में, ठीक है। रीजन या सिस्टम आप कुछ भी बोलो, निकाय बोलो, सूक्ष्मदर्शी निकाय, स्थूल निकाय, सूक्ष्म निकाय बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक को हिंदी में स्थूल निकाय और माइक्रोस्कोपिक को हिंदी में हम सूक्ष्म निकाय बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप चाहो तो आप इसको बना सकते हो एग्जांपल के तौर पे। तो आपको ये आप नोट में लिख करके अलग से आप इसको ऐसी चीजों को कर लिया करो कि मतलब कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ये है कि हम जगह किसी भी जगह हम टर्म यूज करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है, तो आप लोग को वहां पे ध्यान रहेगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लो। लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप नोट करके लिख लेना। इसमें दोनों चीजें होती है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है, हम जो भी आगे चीजें पढ़ेंगे उसमें या तो हम एनर्जी से यहाँ पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं, एनर्जी से वर्क डन हमने निकाल लिया, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है।
कार्य कितना किया गया है, कार्य की निकाल सकते हैं हम उसका अमाउंट कितना है, या फिर हम किए गए कार्य से ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली में होता ही यही चीज है। अब मैं इन दोनों के आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि एनर्जी से वर्क डन की मैं बात करूँ तो जैसे आप जितने भी स्टीम इंजन जो होते हैं, भाप के इंजन, आप उनको देखते हो तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, वहां पे भाप होती है, भाप में एक्चुअली में हीट होती है। उस हीट से हम वहां पे जब वो हीट जनरेट होती है उससे उसके अंदर जो भी टर्बाइन लगी हुई होती है वो घूमती है और उसके बाद वो इंजन काम करता है। तो वो हमारा एग्जाम्पल हो गया कि हमने एनर्जी से वहां पे वर्क डन निकाला है, हमने वहां पे एनर्जी हीट यूज में दी और उसके बाद जैसे वो टर्बाइन घूमी तो उसके बाद जो भी हमें कुछ जैसे कुछ पीसने वगैरह की मशीन होती है, चाहे जैसे गन्ने का कुछ जूस निकलता है उसमें हम देखते हैं कि जैसे वो जो घूमता रहता है तो वो होता है और उसके बाद हमारा जो भी प्रोसेसिंग है वो काम कंप्लीट होता है। तो ये एनर्जी से वर्क डन का हो गया। दूसरा एक तरीका होता है इसमें कि कहीं पे हम वर्क डन से एनर्जी निकालते हैं। इसका जैसे सिंपल एग्जांपल ये होता है, जैसे मैं अपने हाथों को रब करूं, हाथों को जैसे मैंने आपस में घसीटा तो ये मैंने काम किया तो उस कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो वो वर्क डन से वहां पे हमारे पास एनर्जी मिली है हमें। ठीक है, तो ये इनका एक नॉर्मली कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली होता क्या है तो यहाँ पे ये चीज होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अब आप लिखो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अभी आपने सिस्टम पढ़ लिया, अब उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं तो वो आप लिखो। तीन टाइप होते हैं। पहला हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम हिंदी में मतलब खुला हुआ निकाय या जो भी बोलो हम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊं या मैं आप लोग को ये चीज डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, इजी सी चीज है तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसे लिखने वाला है नहीं। ठीक है ना, बाकी आप लोग बुक में देखोगे तो आपको ये सीधे समझ में आ भी जाएगा। ओपन सिस्टम का मतलब होता है ये, जैसे मान लो कि मैंने कोई पात्र लिया और मैं उसमें पानी जैसे मैं उसमें गर्म कर रही हूँ, घर में अपन जैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने ऊपर से ओपन रख रखा है, मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ये एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है और इसको मैंने खुला रख रखा है ऊपर से। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली खुला रखने से मेरा मतलब क्या है, ये है कि मैं इसके अंदर एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी अंदर से बाहर जा सकती है और दूसरा इसमें मास या द्रव्यमान का भी एक्सचेंज हो रहा है कि द्रव्यमान मतलब मैं इसमें से कुछ पानी निकाल भी सकती हूँ, इसमें कुछ पानी मैं डाल भी सकती हूँ। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है कि जिसमें बेसिकली क्या हो कि जैसे आप ऐसे समझ सकते हो इसको फ्लो चार्ट के थ्रू कि अगर इसमें हम मास द्रव्यमान अगर हमारा अंदर जा रहा है, मास इन है तो इधर हमारा मास आउट भी हो, कुछ अगर हमने द्रव्यमान अंदर लिया है तो कुछ हम इससे बाहर भी ले सके। और दूसरी तरफ इसमें एनर्जी का भी होता है कि अगर कुछ एनर्जी हमने अंदर ली है, एनर्जी इन है तो एनर्जी आउट भी हो। ठीक है, तो ये कहलाएगा एक ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये नॉर्मली डायग्राम्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसके बाउंड्री पे दोनों ही चीजें पॉसिबल है, मास एक्सचेंज भी पॉसिबल है और एनर्जी ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का आदान प्रदान वो भी संभव है और द्रव्यमान का भी संभव है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओपन सिस्टम, बना लो डायग्राम। दूसरा इसमें आप देखो क्लोज सिस्टम, दूसरा जो इसका टाइप है क्लोज सिस्टम या बंद निकाय कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बंद सिस्टम में क्या होगा आपका कि इसके अंदर कुछ ऐसा अगर मैं ले लूं कि सेम कंटेनर जैसे मैं जिसमें पानी गर्म कर रही थी,
अगर उसी में मैं उसके ऊपर से मैं ढक्कन उस पर लगा दूं, तो ढक्कन लगाने के बाद में जैसे हम देखते हैं घरों में भी, अगर हम पानी गर्म करते हैं, अगर हम उस पे से उसको ढक भी देते हैं तो भी साइड से हीट जरूर निकल ही जाती है। तो उसमें यह है कि मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, द्रव्यमान आप उसमें और डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन हीट उसमें फिर भी एक्सचेंज होती है। तो इसमें मास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, ये तो नॉट पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। या आप इसको डायग्राम से समझना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें मास का नहीं, ओनली एनर्जी इन और एनर्जी आउट होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम कहलाएगा क्लोज सिस्टम या बंद निकाय। इसको बना लो।